उनके लिए मैं ये दो पंक्तियां कहूंगा कि हम लाए हैं तूफान से इसको निकाल के, हम लाए हैं तूफान से इसको निकाल के, मेरे लोगों साहित्य को रखना संभाल के। और जिनके लिए, जिनका आना किसी सभा में उस कार्यक्रम की सफलता होती है कि जहां वो आ जाएं वो कार्यक्रम अपने आप में सफलता की चरम सीमा पर होता है। मैं इन दो पंक्तियों के साथ उनके पास जा रहा हूं कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चला भी जाऊं कि गुलशन का कारोबार चले, चला भी जाऊं कि गुलशन का कारोबार जो राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार, हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार और केंद्रीय अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार जिनको मिल चुका है, कोई पुरस्कार ऐसा नहीं है जो आपको नहीं दिया गया है। ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार, ऐसे हमारे विश्व पिता में डॉक्टर जो संक्षिप्त में समय कम है, थोड़ा सा पढ़ें ज़्यादा नहीं। जाते जाते मेरा कंधा दबाते हुए कह गए, वहीं से चालू करना है, उपमा प्रबंधक जी वहीं से बंद चंद्र बिहार जी, आदरणीय माननीय साहब, आदरणीय माथुर साहब, आदरणीय पालीवाल साहब, परम आदरणीय इकबाल साहब, आप सबको कुछ शारीरिक हालात भी होते हैं और हिंदी का प्रोग्राम है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आकाशवाणी में कई 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 वर्षों तक हिंदी अधिकारी रहा और पाँच सात वार्षिक पत्रिकाएं भी निकाली और राष्ट्रीय पुरस्कार दिल्ली में, मुंबई में और भोपाल में संस्थान की टीम। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आप अपनी अपनी मातृभाषा की सेवा देते हुए राष्ट्रभाषा का सम्मान करें, उसके शब्द निधि को बढ़ाएं। और यहाँ आने के बाद बड़ा गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, गांधी जयंती नहीं शहीद दिवस है, थोड़ा सा हिंदी वाले भी जानेंगे। गांधी जी भी तो शहीद हुए थे। हाँ तो शहीद दिवस ही कहते हैं। हाँ तो बस वो गांधी जयंती विश्वास करते हैं ना, भी इशारा दिया है और अभी अभी हम सब ने रामधारी सिंह दिनकर कविता सुनी है और उस कविता के आगे मेरी क्या औकात है, क्षमा याचना के साथ पूरी गोष्ठी क्योंकि दिनकर साहब के आगे तो देखो उनको तो पढ़ के हम लोग आगे बढ़े हैं, उनको पढ़ने के बाद ही आगे बढ़े हैं, उनको पढ़ा है तभी कुछ सीखा है। अंदर से पढ़ी उसके बाद क्या हुआ हुआ बता दो। नहीं, सबसे पहले तो मैं इस स्वभाव में इतने नवोदित मैंने सुने, मुझे आश्चर्य हुआ, बहुत अच्छा लगा। उन सबको मैं बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा कि अच्छा दिख रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते रहे आज। और इन दोनों को समाप्त करते हुए हिंदी की मेरे पास कोई रचना है लेकिन नहीं सुना रहा हूँ, उसको सबको मान लिया है लेकिन आशीर्वाद स्वरूप आपकी बानगी। एक पीपल की छांव पली मोहल्ला न गांव गली, भिलनी की झोपड़ी में प्यार पले आते हैं। पीपल की छांव पली मोहल्ला न गांव गली,
भी नन्ही की झोपड़ी में प्यार पल ही आते हैं, परिंदे भी पानी भरे लक्ष्मी शैतानी करे, कि परिंदे भी पानी भरे लक्ष्मी शैतानी करे। फूटी तस्वीर में से राम शर्माते हैं, फूटी तस्वीर में से राम शर्माते हैं। शबरी के बेर झूठे अब कौन राम खाए, शबरी के बेर झूठे अब कौन राम खाए। रावण के दूत वहाँ काला मुंह लाते हैं, कि सूरज गरीब और इंद्र है बीमार, जबी बसात भूखे। सूरज गरीब और इंद्र है बीमार, जबी फूटे हुए केलुओं में घुसे चले आते हैं, फूटे हुए केलुओं में घुसे चले आते हैं। क्योंकि मेरा मानना है हम अपनी मातृभाषा के अलावा राष्ट्रभाषा का या राजभाषा का पूरा उन्नति नहीं कर सकते, उसमें विकास नहीं कर सकते। मतलब पूरे भारतवर्ष की जितनी बोलियाँ हैं उन सबसे सभी लैंग्वेज आप सोचिए, अंदाज लगाइए कि हमारे राजभाषा का कितना बड़ा महाकोश होगा, और अभी तक तीन चार बोलियों तक ही सीमित है, उसको बढ़ाया जाए तो लाखों शब्द नए आएंगे हिंदी। तो इसके लिए मैं अपनी मातृभाषा से एक क्षण सुना रहा हूँ। लाकड़ा नो डांडो लावे, लाकड़ा नी होली वाली, लाकड़ा नी गेर माडी पागनी उगावो है। लाकड़ा नो डांडो लावे, लाकड़ा नी होली वाली, खास करके परिवार साहब को समर्पित कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ हो जाएगी। लाकड़ा नो डांडो लावे, लाकड़ा नी होली वाली, लाकड़ा नी गेर माडी पागनी उगावो है। लई दूनो लाकड़ा नो ढोल ने कोंडा बजाड़ो, लई दूनो लाकड़ा नो ढोल ने कोंडा बजाड़ो। लाकड़ा ने सूले बारी लाकड़ो सुखाओ है, लाकड़ा ने सूले बारी लाकड़ो सुखाओ है। के लाकड़ा नी लीला लेर, लाकड़ा वना ने खैर, के लाकड़ा नी लीला लेर, लाकड़ा वना ने खैर, जीवनी में ठेर ठेर लाकड़ो सुहाओ है। एक वात जान राख अंत में मलेगा खाक, एक वात जान राख अंत में मलेगा खाक, अन मने आने ने लाकड़ा में जाओ। धन्यवाद।